व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिश्मिड। आज हम देखने वाले हैं कि मेजर गौरव आर्य सर ने क्या कहा है पाकिस्तान को लेके, और थंबनेल में लिखा है अब्बू ने छोड़ा पाक का साथ, मेजर ने गजब ठोका। तो अब्बू यहाँ पे मेरे हिसाब से चाइना को रेफर किया गया है। हाँ। तो आज बैंड बजेगी चाइना की, और सर अपने ही शब्दों में क्या बोलते हैं, हल्की सी कॉमेडी रहती हाँ। है लेकिन जो ज्ञान का भंडार रहता है, और जिस तरीके से जैसे कुछ कुछ पॉइंट होते हैं ना हाँ। कि वो इस्लामाबाद में बैठे अंकल, अंकल बोलिए पेट निकला अंकल बोलिए हाँ। तो गाइस ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है चाइना के डायलॉग चैनल से, वहां पर आप रोज सर की वीडियोस देख सकते हो। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। करते हैं शुरू, 1 2 3 लेट्स गो। जो अफगानिस्तान का पूरी दुनिया में चौधरी बना हुआ है, जो अफगानिस्तान के नाम पर भीख मांगता है, जो अफगानिस्तान को यह कहता है कि नहीं इनको रिकॉग्नाइज करो, डिप्लोमेटिकली करो, पाकिस्तान इस मीटिंग में था ही मीटिंग में जब पाकिस्तान का अब्बू उस मीटिंग में था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो नोएडा पाकिस्तान का अब्बू यानी कि चीन जब उस मीटिंग में था, तो फिर भाई उस मीटिंग में पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? सोचने ये अफगानों से मांगते, अफगानों से बोलते कि तुम हमें कुछ दे दो। वो कहता कि वल्ला हबीबी हम तो फंसी हुई है, नहीं दे सकते पैसे। तो कहते नहीं यार, तो तुसी तो साढ़े भरा हो, तुसी तो मुसलमान हो, तुसी दे दो। फिर अफगान बोलता खुश तुम क्या बोलती, हमारे पास नहीं है पैसे, हम नहीं दे सकते पैसे। डोवाल साहब वहां पे गए, पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन वहां पे जीरो था। दुनिया ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कट ऑफ कर दिया, और पाकिस्तान के जो सबसे अच्छे दोस्त हैं, ओ भाई पाकिस्तान के जो कह रहे हैं कि शहद से मीठे और हिमालय से ऊंचे और समुंदर से गहरे, चीन आयरन ब्रदर, और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और राम और श्याम, सीता और गीता, अब उतनी तगड़ी हमारी दोस्ती, और चीन कभी हमें नहीं छोड़ेगा। चीन ने लात मारी, चीन ने बोला इनको बुलाने को फायदा नहीं। हमारे जो एनएसए साहब हैं अजीत डोवाल साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी रशिया में, जिसमें कि ईरान था, रशिया था, चीन था, भारत था, और ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है ना, पांच, इस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, और फलाने जितने भी स्थान है अफगानिस्तान के ऊपर है, सब ऐसे वो सारे के सारे आए थे। तो डोवाल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, डोवाल साहब ने ये बोला यार कि ना भारत कभी अफगानिस्तान को छोड़ेगा नहीं, भारत की दोस्ती है, इंडिया विल नेवर अबैंडन अफगानिस्तान। बजट भी निकालना है अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ का। एक तो सिग्नल अमेरिका की ओर था कि तुम लोगों ने अबैंडन कर दिया, ऐसा मेरा एनालिसिस, ऐसा मैं मानता हूं कि यार तुम लोगों ने अबैंडन नहीं करना चाहिए था, भारत कभी अबैंडन नहीं करेगा। ठीक है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है जितने अमेरिका के पास है कि हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, बट एक बात है दोस्ती कर ली है ना, फिर भारत दोस्ती निभाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस कॉन्फ्रेंस में आपने देखी, जो अफगानिस्तान का पूरी दुनिया में चौधरी बना हुआ है, जो अफगानिस्तान के नाम पे भीख मांगता है पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान को ये कहता है कि नहीं इनको रिकॉग्नाइज करो, डिप्लोमेटिकली करो, पाकिस्तान इस मीटिंग में था ही नहीं। पाकिस्तान क्यों नहीं था भाई इस मीटिंग में? जब पाकिस्तान का अब्बू उस मीटिंग में था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो नोएडा में ही हूं, पाकिस्तान का अब्बू यानी कि चीन जब उस मीटिंग में था, तो फिर भाई उस मीटिंग में पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? सोचने की बात है। गुड पॉइंट, मैं बता रहा हूं वहां पे अफगानों से भी मांगते, ये आई एम टेलिंग यू, ये अफगानों से मांगते, अफगानों से बोलते कि तुम हमें कुछ, लेकिन उनसे बनती नहीं है ना, कहता कि वल्ला हबीबी हम बनती भी है वैसे भी, हम तुम्हें नहीं दे सकते पैसे। तो ये कहते नहीं यार, तो तुसी तो साढ़े भरा हो, तुसी तो मुसलमान हो, पैसे दे दो। फिर अफगान बोलता खुश तुम क्या बोलती, हमारे पास नहीं है पैसे, हम नहीं दे सकते पैसे। ये तो शेयर बनता है ये बहुत बड़े नाम पे। तो अफगान तो गैरतमंद लोग है ना, पठान तो दे आर वेरी प्राउड पीपल, उनको अच्छा नहीं लगता ये भीख भीख मांगना। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अफगानिस्तान वाला कोई बाहर के मुल्क से जाके भीख मांग रहा है, ये टिपिकल पाकिस्तानी प्रॉब्लम है। सबके सामने लेट जाओ, कटोरा लेके लो, जैसे फील्डर डाइव नहीं मारता जमीन पे कैच पकड़ने के लिए, ये कटोरा लेके डाइव मारता है। वहां पे पाकिस्तान को नहीं बुलाया, और पाकिस्तान के इस बारे में बातचीत भी नहीं कर रहा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अपने इमरान ने ये कह दिया, नवाज शरीफ ने कह दिया, इसी में इतना बिजी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान इज नॉट बॉर्डर्ड। लेकिन डोवाल साहब वहां पे गए, पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन वहां पे जीरो था, दुनिया ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कट ऑफ कर दिया, और पाकिस्तान के जो सबसे अच्छे दोस्त हैं, ओ भाई पाकिस्तान के जो कह रहे हैं कि शहद से मीठे और हिमालय से ऊंचे और समुंदर से गहरे, चीन आयरन ब्रदर, और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और राम और श्याम, सीता और गीता, जो सी फिल्म ले लो, अब उतनी तगड़ी हमारी दोस्ती, और चीन कभी हमें नहीं छोड़ेगा। चीन ने लात मारी, चीन ने बोला इनको बुलाने को फायदा नहीं। और चीन को भी डर लग रहा होगा यार, चीन को डर लग रहा होगा, मतलब ये जैसी चाइना का बंदा बैठा है वहां पे जाके मांग लेंगे,
सब डरे हुए पाकिस्तान से, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब से कोई नहीं डरता, पाकिस्तान के कटोरे से डरता है। अब समझ लो 5-6 बैठे हुए यार दोस्त बैठे हैं, कोई इंडिया का, कोई ईरान का, कोई चीन का, कोई रूस का, कोई तजाकिस्तान का, सब वहां पे बैठे हुए आराम से बातचीत कर रहे हैं यार अफगानिस्तान के बारे में, क्या करना है, पाकिस्तान वहां पर पहुंचेगा, पाकिस्तान क्या बोलेगा, वो अफगानिस्तान को छोड़ो यार हमारी तरफ देखो, वो अफगानिस्तान का भी एड पूरा खा जाएगा पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान से अफगान भी डरते हैं, इंडियंस भी डरते हैं, चीन चीनी भी डरते हैं, दुनिया डरती है, क्योंकि इनका जो कटोरा है दैट इज मोर पावरफुल देन न्यूक्लियर वेपन, मानी मेरी बात में, ज्यादा पावरफुल है इनका, ठीक है, कभी भी कटोरा फेंक के किसी को भी मार सकते हैं, इनको बुलाया नहीं। ये यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर यूरोपियन एंड यूरेशियन अफेयर्स कैरन डॉनफ्राइड ने वेडनेसडे को ये बोला कि भाई जो भारत तेल खरीद रहा है हम उससे खुश हैं, रूस से तेल खरीदे, हमें कोई लेना देना नहीं है, और हम लोग इंडिया को सैंक्शन नहीं करना चाहते, आर रिलेशनशिप विद इंडिया इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप, सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल हमारी भारत के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है, क्योंकि अमेरिकन को पता लगे मानने मानने वाले तो है नहीं, मोदी जी सुनेंगे तो है नहीं। उसने बोला नो नो मिस्टर मोदी यू कैन नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, मोदी जी ने बोला कैन तो मजा जाओ जाओ डॉक्टर जयशंकर आप खरीदो इनकी मत सुनो। तो अब वो थक गए बोल बोल के, अब उन्होंने बोला यार आप जो कर रहे हो भाई साहब ठीक कर रहे हो, और उन लोगों ने भी सीख लिया कैम छो मजामा, अब कोई कुछ नहीं कर रहा, अमेरिकन ने बोला यार तुम्हें जो खरीदना है खरीदो यार, तुम्हें आइसक्रीम खरीदनी है, गुब्बारे खरीदने हैं, तुम हम नहीं बोलेंगे, सुनोगे तो तुम बोल ही नहीं रहे हम और क्यों बोल के, तो अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए। अच्छा ये पाकिस्तान से खबर क्या आई है कि पाकिस्तान डिसाइड्स अगेंस्ट अटेंडिंग, ठीक है, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई हम गए नहीं, अरे गए नहीं तुम्हें बुलाया नहीं यार, सच क्यों नहीं बोलते, झूठ क्यों बोलते हो, हम गए नहीं, हम गए नहीं, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन कॉलिंग यू, तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये इतने डरे हुए हैं, पाकिस्तान एम्बेसडर टू अफगानिस्तान उबैदुर रहमान निजामनी इज स्टिल इन पाकिस्तान, वो जिसके ऊपर अटैक हुआ था है ना, एक SSG का कमांडो मारा गया था उसमें अटैक में ना, तो ये वही है, वो अभी डर के मारे वापस गया ही नहीं अफगानिस्तान जब से इसके ऊपर अटैक हुआ है, ये पाकिस्तान के अंदर बैठा है, वो दाढ़ी वाला भेजा था ना कि बड़ा रिलीजियस लगता है, तो तालिबान ने बोला कि सबसे पहले इसी को निपटाओ, ठीक है जी। और ये खबर पाकिस्तान से आती है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं ये $3 अरब से भी कम हो गए, ये 2.9 पे आ गए हैं, और ये 8-10 दिन पहले का डेटा है, मैं आपको सही बता रहा हूं, इनके आ गए होंगे 2-2.5 अरब पे आ गए होंगे, और IMF की डील का कोई भी अभी वो नहीं है, दे हैव नो व्यू कि कब तक अपनी जेब से चुराए पैसे को निकालने को तैयार नहीं है ना, खत्म ही हो गए बिल्कुल, 3 अरब से अभी कम आ चुके हैं, और ये पुरानी खबर है, ये 8-10 दिन पहले की खबर है, ये आज की खबर नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे, पुरानी खबर है, पाकिस्तानी जानबूझ के डेली खबर नहीं देते क्योंकि लोगों का BP बढ़ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगी पब्लिक, ऑलरेडी स्ट्रेस में है पब्लिक, कहेगी यार हमारे पास तो है नहीं, देखो अगर कोई बार बार ही आपसे मदद मांगता है तो आप भी बोलते भैया कुछ एफर्ट तो करो उस चीज के लिए, पाकिस्तान कोई एफर्ट दिख नहीं रहा उस चीज में अपनी इकोनॉमी को सुधारने में, प्लस सर ने वो जो बात करना कि अमेरिका क्या कहता है गुब्बारे लो हमारे तरह आइसक्रीम लो, बिल्कुल सही बात सर की, क्यों, क्योंकि अब अमेरिका भी समझ चुका है कि ये देश तरक्की की राह पर है और ये झुक के नहीं सर उठा के चलने वाला देश है, और जो जिस देश की सरकार अपने लोगों के लिए सबसे पहले स्टैंड नहीं लेगी ना वो सरकार, मैं कहता हूँ कि वो असलियत में एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं उसके अंदर, और वहीं आज बात करते हैं मोदी सरकार की, तो हम पता है सबसे बड़ी बात क्या है, एक एग्जाम्पल यही दे देता हूँ, अमेरिका ने सारे कंट्रीज को क्या बोला, सैंक्शन लगा दिया रशिया को, इंडिया ने कहा हम तो लेंगे, हमें सस्ता मिल रहा है हम तो लेंगे, और ये एक स्टैंड लेने वाली बात होती है, आप दबके नहीं चल रहे हो, आप बोल रहे हो कि भैया तुम होगे सुपर पावर तो हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी उभरते हुए सुपर पावर है, डेवलपिंग से डेवलप्ड होने में बहुत जल्द हो जाएंगे, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव होता है, आपका क्या नजरिया होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करता है, ना कि आपका सिर्फ बैंक बैलेंस ही, नहीं तो बैंक बैलेंस लेके तो दुनिया घूम रही है, है ना, बात करने का तरीका होता है ना, लीडरशिप क्वालिटीज होती है ना कुछ, तो सबसे पहले आपकी मेंटालिटी, बैंक बैलेंस तो इनका भी बहुत तगड़ा है, इनका जो पर्सनल बैंक बैलेंस पाकिस्तान में लोगों का, जो भी लीडर है, जितने भी आर्मी चीफ है या जो भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह है, लेकिन वही है बात करने का तरीका देख ले, और वहीं पर अगर हम बात करें ना, तो अब अमेरिका ये समझ चुका है
कि पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया का स्टांस है ना उसके साथ, इंडिया के बातों के साथ, इंडिया की जो विजन है उससे सारी कंट्री रिलेट करती है। और उनको ये भी पता है पॉपुलेशन वाइज भी इंडिया काफी स्ट्रांग है, एक मार्केटिंग एरिया है, कुछ भी सामान बनता है सबसे ज्यादा कंज्यूम इंडिया में होता है, चाहे खाने की चीज हो, वो कहते हैं पापड़ से लेकर गुब्बारे से लेकर आइसक्रीम से लेकर कार्स हो गई, मोबाइल्स हो गए, तो हर चीज की बिक्री इंडिया में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग नेशन है, प्लस पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, जहां पॉपुलेशन होगी उतनी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। और इंडिया को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब भी, यहाँ पर एमएनसीज भी आ रही हैं, ऑफिसेज भी हैं, यहाँ लोगों को काम करना चाहते हैं लोग, तो बाहर के लोगों को पता है वहां पर करवाएंगे अपनी कंट्री में काम तो महंगा पड़ेगा, और इंडिया में जहां लोगों की जरूरत भी है और आज के टाइम पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी हो रही हैं, और उनको डॉलर का यूएसडी में यूएसडी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा के इजी पड़ता है, उनको सस्ता पड़ता है, तो ये भी है। लेकिन मोदी जी उन सबसे दो कदम आगे चल रहे हैं सोच के विजन की, हम इंडिया को कहां पहुंचाना है। जैसे कि आपने सुना कि अब ये भी बात चल रही है काफी कंट्रीज से, रुपये में भी डील करेंगे। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताना। बाकी जय हिंद लिख देना कमेंट में, जितना हो सके वीडियो कर दें शेयर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।